नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं राजेश पदन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। जो दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो में, मैं उनको बता दूं कि मैं ओन करता हूं XV700 EX5 मॉडल। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिलीवरी लेने से पहले ज़रूर करवा लेनी चाहिए, अगर आप EX5 वेरियंट लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, हुआ क्या है कि मेरी नई गाड़ी में फर्स्ट क्रैच आ चुका है, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। जब एक नई गाड़ी लेके आते हैं आप, तो ये स्क्रैच ऐसा होता है जो सीधा दिल पे जाके लगता है। जब एक नई गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी आप लेके आते हैं और किसी भी तरीके का स्क्रैच उस पर पड़ जाए फर्स्ट वीक आफ्टर यू परचेज द कार, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं ये टिप आपको देना चाहता हूँ, आप ज़रूर ये जो चीज़ आप ज़रूर करवाएँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगा आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको। और अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं किसी भी तरह की SUV, हैचबैक से आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को SUV पे, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए दोस्तों, ज़रूर देखिएगा अंत तक। ये आपके साथ भी ज़रूर होगा अगर आप फर्स्ट टाइम SUV बाय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो स्क्रैच एक्चुअली कहाँ पड़ा, फिर मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि किस तरीके से वो स्क्रैच पड़ा और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए कार के पास चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रैच ही दिखाता हूँ। तो ये रही दोस्तों मेरी कार XUV700 EX5 मॉडल। मैं आपको क्लोज लुक लेके चलता हूँ। ये रहा मॉडल EX5, आप देख सकते हैं। और जो स्क्रैच मेरी कार पे लगा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर आप ओपन आई से देखेंगे तो बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, आपको पता लगेगा। बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ पास ले जाकर। आप यहाँ जाएंगे, बम्पर में आपको जाना पड़ेगा, नीचे आप जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखते हैं। तो ये रहा एक्चुअली स्क्रैच। कितना बुरा लगता है दोस्तों नई गाड़ी में ऐसा स्क्रैच आना। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से इसको हाइड कर पाऊँ हल्का सा पेंट वगैरह लगा के। तो ये एक्चुअली हुआ कैसे दोस्तों, इसके पीछे मेन कारण है कि इस कार में रियर व्यू कैमरा ना होना। काफ़ी बड़ी कार है, आपको पता ही नहीं चलता कि पीछे ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर चुकी है आपकी कार। और इस मॉडल के अंदर ये बहुत ही बड़ा मिस है महिंद्रा का कि आपको इतनी महंगी कार के अंदर रियर व्यू कैमरा ही नहीं मिलता। अभी एक्चुअली शोरूम पे ऑफ़र कर रहे हैं, आप जाके एक्सेसरीज़ में जाके इसको लगवा सकते हैं, बट उसमें भी बहुत बड़ा ग्लिच है। मैं एक्चुअली आपको जो ओरिजिनल स्पेस है कैमरे की वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअल स्पेस कैमरे की यहाँ पे आती है, ये देख रहे हैं, ये लोगो आया महिंद्रा का। और ये बूट ओपनर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपका रेयर व्यू कैमरा XUV700 EX7 मॉडल में लगता है। और EX5 में भी इसका प्रोविज़न यहीं पे दिया गया है। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो महिंद्रा डीलर्स जो हैं वो एक्सेसरीज़ में इस कैमरे को यहाँ ना फिट करके वो आपको फिटिंग कर रहे हैं बम्पर के ऊपर। तो दैट्स लुक्स वेरी ऑकवर्ड। आज ही मुझे आई वाज वेरी इरिटेटेड व्हेन आई गॉट हिट इन फ्रॉम द बैक साइड। तो आई कॉल्ड महिंद्रा डीलर्स एंड आई सेड आई नीड रियर व्यू कैमरा very urgently. I'm going to visit them tomorrow early in the morning. I'll get the camera done on priority. तो मैं priority पर लगवाऊँगा, but I am very curious to know कि वो कैसे fitment करते हैं कैमरे की, क्योंकि अगर वो bumper की बात कर रहे हैं कि ये जाके bumper में लगेगा तो that looks very awkward. तो देखते हैं वो कहाँ पर fitment करते हैं मेरे कैमरे की, और फिर मैं आपको व्यू एक्चुअल उसकी लोकेशन बताऊँगा कि कहाँ पर उन्होंने फिट किया है और कैसा व्यू उसका अंदर मेरे फ्रंट स्क्रीन में, उसका कैमरे की क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा लगवाने के बाद। बहुत ही वीडियोस पे मेरी डिमांड आ रही थी कि आप रियर व्यू कैमरे के बारे में अपडेट्स बताइए, तो ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है कि ये जो कैमरा आपको EX5 में नहीं मिलता, ये तो काफ़ी लोग आप जानते हैं। तो आपको एक्सेसरीज़ के अंदर डीलर्स दे रहे हैं, तो आपको आप वो लगवा सकते हैं डीलरशिप में जाके, बट वो लगेगा आपका बम्पर के पास, नॉट वेयर द एक्चुअल लोकेशन इज़ गिवन फॉर द कैमरा। तो वो बहुत ख़राब लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्पेस बनी हुई है कैमरा लगने की, तो दे शुड फिक्स इट देयर ओनली, बट आई डोंट नो सम लिमिटेशन आर देयर, सो दे आर फिटिंग इट एट द बॉटम ऑफ द कार इन द बम्पर, जो कि अच्छा नहीं लगने वाला मुझे लगता है, बट देखते हैं, लेट्स सी। मैंने उनसे बात भी की कि कटिंग तो नहीं करेंगे आप बम्पर को, दे सेड नो कपलर टू कपलर फिटमेंट वुड बी देयर। सो ये मैं कल जाके चेक करूँगा, लगवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं अगला वीडियो मेरे कैमरा फिटमेंट के बाद वो कैसा लगता है रियर व्यू कैमरा के बाद, तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रियर व्यू कैमरा के ऊपर,
जिन लोगों ने भी SUV 700 EX5 वर्जन बुक किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी आने वाली वीडियो जो कैमरा पे मैं बना रहा हूँ रियर व्यू कैमरा पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको इमिडिएटली आपके ईमेल पे आपके फ़ोन पे अलर्ट आ जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो को देखना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैं इस कार को यूज़ करते हुए मुझे मोर देन 10 डेज हो गए हैं, तो मेरे पास काफ़ी फीडबैक है इस कार को लेके, जो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए वीडियोज़ बना के उसके लिए डालूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आपने प्लान कर रहे हैं XUV 700 और आप ऑलरेडी बुकिंग करवा चुके हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को इन फॉर्म ऑफ वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मिस है महिंद्रा की तरफ से, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कार इट्स नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर पैसेंजर सिटिंग इनसाइड, इट शुड बी अ सेफ्टी ऑफ कार योर कॉस्टली व्हीकल एज वेल। तो रियर व्यू कैमरा इज मस्ट हैव थिंग इन एनी SUV, सो इट्स माय एडवाइस टू द महिंद्रा एंड आई रिक्वेस्ट देम टू कंसीडर दिस एज अ रिक्वेस्ट कि दे शुड प्रोवाइड अ रियर व्यू कैमरा ऑल द मॉडल, दे शुड गिव दिस फीचर बिकॉज इट्स ए SUV, इट्स ए ह्यूज कार, सो टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट और टू अवॉइड एनी इशू स्क्रैचेस और एनी सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग दिस फीचर इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर SUV लाइक XUV 700। होप इन अपकमिंग मंथ्स एंड फर्दर अपडेट्स दे विल इंट्रोड्यूस दिस, बिकॉज इट्स कॉस्ट यू जस्ट 3,000 rupees, सो आई डोंट नो आई मीन वट महिंद्रा इज सेविंग आई मीन नॉट गिविंग द कैमरा इन दिस ह्यूज कार, सो इट शुड बी देयर। एक्सेसरी में आप लगवा रहे हैं बट इट्स नॉट कमिंग विद द एग्जैक्ट फिटमेंट, बट लेट्स सी मैं लगवा के आपको बता सकता हूँ कि कैसा लगेगा, बट ये महिंद्रा की तरफ से इट शुड बी देयर। तो दोस्तों इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो टिप्स और सजेशंस फीडबैक्स मैं आपके लिए कार के लेके आता रहता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रैच लगने के बाद आप देखिए होंगे, मैंने ब्लैक ग्लासेस भी रिमूव कर दी हैं, मैं वाइट ग्लासेस पहन रहा हूँ ताकि अवॉइड कर सकूँ किसी भी तरह के स्क्रैचेस को। तो अगर आपके साथ भी होगा, अगर आप ब्लैक ग्लासेस पहन के कार चला रहे हैं तो आप भी वाइट में बहुत जल्दी आ जाएंगे एक स्क्रैच लगते ही।